लेसन नंबर 15 त्रिभाषा सूत्र। आज जब भी भाषा संबंधी समस्या के समाधान की बात आती है, त्रिभाषा सूत्र की दुहाई दी जाती है। त्रिभाषा सूत्र का शब्दार्थ है तीन भाषाओं वाला सूत्र। त्रिभाषा सूत्र पर विचार करने से पूर्व हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि त्रिभाषा सूत्र से तात्पर्य क्या है। त्रिभाषा सूत्र की उत्पत्ति, ताराचंद्र समिति और द्विभाषा सूत्र की सिफारिश। 1947 में भारतवर्ष स्वाधीन हुआ, लोगों ने इस बात की आवाज उठाई कि माध्यमिक शिक्षा में सुधार होना चाहिए। फलस्वरूप 1948 में डॉक्टर ताराचंद्र की अध्यक्षता में एक समिति को यह काम सौंप गया। उस समय तक भारतीय संविधान का निर्माण नहीं हुआ था। इस समिति ने माध्यमिक स्तर तक द्विभाषा सूत्र की सिफारिश इस प्रकार से की। सीनियर बेसिक स्तर तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। कुछ समय तक आंग्ल भाषा अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाए। जब आंग्ल भाषा हट जाए तब संघीय भाषा अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाए। ताराचंद्र समिति ने कहीं स्पष्ट नहीं किया कि कुछ समय से उसका क्या तात्पर्य है। माध्यमिक शिक्षा आयोग और दो भाषाओं की संतुष्टि। 1952 में डॉक्टर मुदलियार की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की गई। इस आयोग का संबंध माध्यमिक शिक्षा के साथ था। इस आयोग ने अपना प्रतिवेदन 1953 में प्रस्तुत किया। माध्यमिक विद्यालयों में भाषाओं के अध्ययन के संबंध में मुदलियार आयोग ने यह सुझाव दिया है। माध्यमिक पाठशालाओं में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा होना चाहिए। मिडिल स्कूलों में छात्रों को कम से कम दो भाषाओं की शिक्षा प्रदान की जाए, परंतु दोनों भाषाएं एक ही वर्ष में प्रारंभ ना की जाए। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर कम से कम दो भाषाओं की शिक्षा दी जाए, जिसमें एक मातृभाषा और दूसरी प्रादेशिक भाषा हो। इससे स्पष्ट हो जाता है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने दो भाषाओं का ही समर्थन किया है। माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम पर विचार करते हुए मुदलियार आयोग ने यह दो भाषाओं वाला स्वरूप ही अपने सामने रखा। यथा मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा अथवा मातृभाषा और प्राच्य भाषा का संयुक्त पाठ्यक्रम। निम्नलिखित भाषाओं में से कोई एक भाषा, हिंदी, जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, प्रारंभिक आंग्ल, जिन्होंने मिडिल स्कूल में इसका अध्ययन नहीं किया, उच्च आंग्ल, जो पहले इसे पढ़ चुके हैं, कोई आधुनिक भारतीय भाषा हिंदी से भिन्न, कोई विदेशी भाषा आंग्ल से भिन्न, कोई प्राच्य भाषा। त्रिभाषा सूत्र की शुरुआत, मुदलियार आयोग की रिपोर्ट के बाद भी मानसिक दास्ता से ग्रस्त अंग्रेजी का लोग शोर मचाते रहे। प्रशासन के लोग भी अंग्रेजी के मोह से ग्रस्त थे। परिणाम स्वरूप केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल को फिर से विचार करने को कहा गया। मंडल ने यह सुझाव दिया, माध्यमिक विद्यालयों के प्रत्येक विद्यार्थी को अधोलिखित तीन भाषाएं अनिवार्य रूप से पढ़नी होंगी। 1. मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा। 2. हिंदी, अहिंदी भाषा क्षेत्रों के लिए अथवा एक आधुनिक भारतीय भाषा हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए। 3. आंग्ल। 1957 में केंद्रीय प्रशासन ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया और मुख्य मंत्रियों जो प्रशासकीय दल से सम्मिलित थे से 1961
में इस पर टप्पा लगाव दिया गया। त्रिभाषा सूत्र की समीक्षा। त्रिभाषा सूत्र की समीक्षा करने से पूर्व हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि इसका संबंध प्राथमिक शिक्षा से है, माध्यमिक शिक्षा से, विश्वविद्यालय शिक्षा से है, अथवा तीनों के साथ है। प्राथमिक शिक्षा और त्रिभाषा सूत्र। त्रिभाषा सूत्र का भली भांति विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि इसका संबंध प्राथमिक शिक्षा से नहीं है। भारत 1947 में स्वाधीन हुआ। स्वाधीनता की प्राप्ति से पूर्व शिक्षा शास्त्रियों और चिंतकों के द्वारा यह स्वीकार कर लिया गया ताकि प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बालक या बालिका की मातृभाषा होनी चाहिए। राष्ट्रीय महासभा, कांग्रेस, हिंदू महासभा, आचार्य समाज, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी सभी राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थाओं ने जोरदार शब्दों में इस बात का अनुमोदन किया था कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मातृभाषा के द्वारा ही प्रदान किया जाए। गांधी जी के विचारों के आधार पर जाकिर हुसैन समिति ने बुनियादी शिक्षा का जो प्रारूप तैयार किया था उसमें शिक्षा के माध्यम के रूप में बालक की मातृभाषा को मान्यता दी गई थी। उस समय त्रिभाषा सूत्र का कहीं नाम निशान ही नहीं था। विश्वविद्यालय शिक्षा और त्रिभाषा सूत्र। यदि हम भारतीय शिक्षा के इतिहास का अवलोकन करें तो स्पष्ट हो जाता है कि त्रिभाषा सूत्र का विश्वविद्यालय शिक्षा के साथ भी कोई संबंध नहीं था। 1852-54 में उनका घोषणा पत्र सामने आया। इसके आधार कलकत्ता, मद्रास और बंबई में तीन विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। इन तीनों ही विश्वविद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के रूप में भारतीय भाषाओं को कोई स्थान प्राप्त नहीं था। 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई। 1919 में प्रस्तुत इसने अपने प्रतिवेदन में ब्रिटिश राज्य में पहली बार भारतीय भाषाओं के अध्यापकों के पदों का अनुमोदन किया। इसका परिणाम यह निकला कि 1922 और 1937 के मध्य में भारतीय भाषाओं का उच्च स्तर पर अध्ययन होने लगा। तब भारतीय भाषाएं वैकल्पिक रूप में पढ़ाई जाती थी। 1949 में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राधाकृष्णन थे। इसने पहली बार इस बात की जोरदार वकालत की कि उच्च स्तरीय शिक्षा का माध्यम छात्र की मातृभाषा हो, परंतु कुछ समय तक आंग्ल चलती रहे, परंतु कुछ समय को परिभाषित नहीं किया गया, परंतु कुछ समय ही विवाद का कारण बन गया। राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग कह रहे थे कि जल्दी से जल्दी भारतीय भाषाओं को उच्च स्तर पर शिक्षा का माध्यम बनाया जाए, परंतु मानसिक दासता से ग्रस्त अंग्रेजी धरोंग इस कुछ समय को हनुमान की पूंछी की तरह बढ़ाते जा रहे थे। आज स्थिति यह है कि कई विश्वविद्यालयों के छात्रों को यह सुविधा है कि उच्च स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनी मातृभाषा या हिंदी का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु अभी भी कई बदनासीब विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां अंग्रेजी का ही बोल बाला है और वही शिक्षा का माध्यम है। उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट हो जाता है कि विश्वविद्यालय अथवा उच्च शिक्षा का त्रिभाषा सूत्र को कोई संबंध नहीं। माध्यमिक शिक्षा और त्रिभाषा सूत्र। वास्तव में देखा जाए तो त्रिभाषा सूत्र का संबंध उन विश्वविद्यालयों के साथ है जो कि माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययन कर रहे हैं। विद्यार्थियों का यह काल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय वे किशोर अवस्था में होते हैं। त्रिभाषा सूत्र के समर्थक इसके पक्ष में जो दलीलें देते हैं उनका प्रस्तुतीकरण और विश्लेषण नीचे दिया जा रहा है।
शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही हो सकती है, अतः इनकी शिक्षा अनिवार्य रूप में दी जाए। भारत वर्ष में बहुत सी भाषाएं, अतएव एक ऐसी भाषा की आवश्यकता जो संपर्क भाषा हो, और इस संपर्क भाषा का अध्ययन वांछित है। भारत वर्ष में हिंदी भाषा ही ऐसी भाषा है जो राष्ट्रभाषा, राजभाषा अथवा संपर्क भाषा बन सकती है। भारत वर्ष लोकतंत्र है, लोकतंत्र की भावना की दृष्टि से यह आवश्यक है कि संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का अध्ययन अनिवार्य कर दिया जाए। इन तीनों बातों को सभी स्वीकार करेंगे, क्योंकि ये न केवल संवैधानिक दायित्व को पूरा करती है, वरन शिक्षा शास्त्र के सिद्धांतों की दृष्टि से भी समुचित है। आंग्ल भाषा विश्व भाषा है, उसका साहित्य समृद्ध है, अतः पाठ्यक्रम में उसे अनिवार्य स्थान दिया जाना चाहिए। यह कहना गलत है कि अंग्रेजी विश्व भाषा है। दक्षिण अमेरिका में स्पेनिश भाषा समझी और पढ़ाई जाती है, अंग्रेजी नहीं। पूरे यूरोप में फ्रांसिस भाषा सब देशों में समझी जाती है, अंग्रेजी नहीं। सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन, सारा अफ्रीका महाद्वीप, रूस, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली, जापान कोई भी तो आंग्ल भाषा देश नहीं। उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए जो विद्यार्थी वहाँ जाता है, उन्हें पहले 6 मास वहाँ की भाषा सीखनी होती है, क्योंकि वहाँ शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं, वहाँ की अपनी भाषा है। ऐसी स्थिति में यह कैसे कहा जा सकता है कि अंग्रेजी विश्व भाषा है? जहाँ तक समृद्ध साहित्य का संबंध है, जर्मन, फ्रेंच, रूसी भाषाएं आदि भाषाएं भी इस दिशा में बहुत आगे है। भारत वर्ष में बंगला, मराठी आदि भाषाएं बहुत समृद्ध है। अब तो हिंदी भी बहुत समृद्ध हो चली है। पहले भाषा प्रयोग में लाई जाती है, बाद में उसका साहित्य समृद्ध बनाता है। जब इंग्लैंड और अमेरिका अंग्रेजी को अनिवार्य किया गया, तभी धीरे धीरे उसका साहित्य समृद्ध बना। सबसे समृद्ध भाषा तो संस्कृत है, अतः अंग्रेजी की समृद्धि की दुहाई देना ठीक नहीं है। लगभग 200 वर्ष तक अंग्रेजों का भारत वर्ष में राज रहा। उन्होंने अंग्रेजी को ही आश्रय दिया। आज भी प्रशासकीय पदों पर बैठे लोग इसको आश्रय दे रहे हैं। फिर भी अपने देश में 2% से अधिक लोग अंग्रेजी जानने वाले नहीं, अतः इसे अनिवार्य बनाने का तुक हमारी समझ में नहीं आता। इस विदेशी भाषा पढ़ाए जाने की विरुद्ध नहीं, केवल अंग्रेजी ही क्यों, जर्मन, फ्रेंच, रूसी, जापानी आदि भाषाएं भी वैकल्पिक रूप में पढ़ाई जा सकती है। जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, उन्हें त्रिभाषा सूत्र के अनुसार 3 भाषाएं सिखानी होंगी, परंतु जिनकी मातृभाषा हिंदी है, उन्हें 2 भाषाएं ही पढ़ानी होंगी। ऐसा क्यों? अतः हिंदी भाषा प्रदेशों में एक अन्य भाषा अनिवार्य कर दी जाए, वह दक्षिण भारत की कोई भाषा यदि स्वभाव हो तो तमिल होनी चाहिए, यह दूसरी भाषा संस्कृत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले यह जान लेना होगा कि हिंदी भाषा संपर्क भाषा होने के उपयुक्त क्यों है। विभिन्न भारतीय भाषाओं में हिंदी ही ऐसी भाषा है जिसके बोलने वाले और समझाने वाले सबसे अधिक है। जिन्हें और कोई भाषा नहीं आती, वे भी अपनी टूटी फूटी हिंदी में अपना काम चला लेते हैं। अतः संपर्क भाषा होने की यही सच्ची अधिकारिणी है। आखिर में कोई भाषा तो संपर्क भाषा होगी, और जो भाषा भी संपर्क भाषा होगी, उसके जानने वाले कुछ अच्छी स्थिति में होंगे कि अतः ईर्ष्या करने की आवश्यकता नहीं। अमेरिका में कई राज्य है, कोई जर्मनी भाषी है, कोई फ्रेंच भाषी, कोई इतालवी भाषी आदि, परंतु वहाँ की संपर्क भाषा अंग्रेजी है, क्योंकि उसके बोलने वाले और समझाने वाले अधिक है। परंतु किसी अन्य भाषा भाषी ने जब नहीं कहा कि अंग्रेजी भाषी अधिक सुविधा में, इसलिए वे कोई और भाषा सीखे। फिर भी राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से यदि
हिंदी भाषी प्रदेशों में कोई अन्य आधुनिक भारतीय भाषा अनिवार्य बनाई जाती है तो यह भी अच्छी बात ही है, परंतु यह आग्रह नहीं होना चाहिए कि कुछ विशेष भाषाओं को ही अनिवार्य बनाया जाए। यह राज्यों पर छोड़ देना चाहिए कि राज्य की जनता के हित में किन भाषाओं को अनिवार्य बनाए। उदाहरण स्वरूप मध्य प्रदेश की सीमाएं आंध्र प्रदेश से, महाराष्ट्र से और गुजरात से मिलती है। दक्षिण मध्य प्रदेश के लोग तेलुगु भाषा सीखना चाहेंगे, पूर्व मध्य प्रदेश के लोग गुजराती सीखना चाहेंगे और शेष लोगों को मराठी भाषा का अध्ययन करना चाहिए। इसलिए मध्य प्रदेश में तेलुगु, गुजराती और मराठी भाषाओं के अध्ययन की व्यवस्था की जाए और वह विद्यार्थियों पर छोड़ दिया जाए कि वे कौन सी भाषा पढ़ाना चाहते हैं। या किसी अन्य भाषा का अनिवार्य बनाया जाएगा तो लोग उसे क्यों पढ़ना चाहेंगे। कुछ लोग इस बात का आग्रह करते हैं कि त्रिभाषा सूत्र में संस्कृत को सम्मिलित ना किया जाए, उसे चतुर्थ भाषा के रूप में ग्रहण किया जाए। इसका परिणाम यह हुआ है कि संस्कृत की अपेक्षा हो गई है। तीन भाषाओं का ही बोझ बालक पर बहुत अधिक होता है, इसलिए वह चौथी भाषा पढ़ना ही नहीं चाहता। संस्कृत अति समृद्ध और संपन्न भाषा है, यह भारत की सांस्कृतिक भाषा है। चारों वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, बौद्ध गीता, पुराण, शंकर आदि आचार्य, कालिदास, भवभूति आदि के ग्रंथ संस्कृत भाषा में है। भारतीय भाषाओं का साहित्य संस्कृत साहित्य पर ही आधारित है। संस्कृत भाषा की अवहेलना करने पर हम अपनी संस्कृति से कट जाएंगे। आज भी भारतीय भाषाओं के जब नए नए विषयों के लिए नए नए शब्दों की आवश्यकता पड़ती है तो वे संस्कृति का ही आश्रय लेती है। अतः संस्कृति की अपेक्षा किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए, उस तो अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। हमारी सम्मति में भाषा की समस्या का सर्वोत्तम हल तभी होगा जब त्रिभाषा सूत्र का स्वरूप इस प्रकार से होगा। 1. शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। 2. संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का शिक्षण अनिवार्य हो। 3. सांस्कृतिक भाषा के रूप में संस्कृति अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाए। वैकल्पिक रूप से अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी भाषाओं की व्यवस्था की जा सकती है।